So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video, I am going to tell you guys the names of three scientists who won the Nobel Prize 2020 in the field of physiology and medicine. इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है ऑन द टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तीन साइंटिस्ट ने शेयरिंग बेसिस पर इस बार फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का ये प्राइज जीता है। मैं आपको उनके नाम बताने वाला हूँ, उनका काम जो है उसका टाइटल बताने वाला हूँ और जो प्राइज मनी मिलती है आपके नोबेल प्राइज में उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को इलेबोरेट करूँ कि आखिर नोबेल प्राइज इन्हें क्यों मिला, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल श्योरली मेक अ मॉर्निंग बाइट वीडियो ऑन दैट so that I can elaborate that topic in front of you guys. आज के टाइम के हिसाब से अराउंड इंडिया में 2:30 to 3 हमें पता लगा था कि किनको नोबेल प्राइज मिला है और आज मैं बहुत एक्साइटेड था सुबह से ये जानने के लिए कि कौन जीतेगा और किस टॉपिक पर जीतेगा। सो इट्स रियली सेटिस्फैक्टरी टू नो दैट वेल डिजर्व्ड जस्ट लाइक एवरी ईयर, क्योंकि नोबेल प्राइज का कोई तोड़ नहीं है, बट तब भी हर साल इतने सारे टॉप साइंटिस्ट में से एक डिस्कवरी निकालना और उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित करना इज रियली रियली डिफिकल्ट। जो जूरी पैनल होता है उनके दिमाग पर क्या गुजरता होगा उस टाइम पे आई रियली डोंट नो एंड आई रियली कांट बियर इट, बट तब भी यार एक बार देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 वाज गिवन टू हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉक्टन एंड योर चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। जो टोटल प्राइज मनी है जो इन तीनों साइंटिस्ट को दी जाती है वो है लगभग $11,00,000, यानी अराउंड 7 to 8 crore रुपए, जो कि इन्हें इंडिविजुअली नहीं मिलते। ये एक टोटल अमाउंट है जो आपका पर सब्जेक्ट जो नोबेल प्राइज होता है उसके साथ दिया जाता है एज अ यू नो मार्क ऑफ एप्रिसिएशन। तो ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि पैसा एक चीज के आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं है जो कि इन्हें मिलने वाली है, वो है नोबेल मेडल प्लस इनका इंडिविजुअल डिप्लोमा। यानी जो तीनों साइंटिस्ट हैं राइस सर, हॉक्टन सर एंड ऑल्टर सर, इनको अपना इंडिविजुअल डिप्लोमा मिलेगा कि दे आर द नोबेल लॉरिएट्स, और उसके साथ इन्हें अपना जो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो मेडल है वो भी मिलेगा, जिनके ऊपर अल्फ्रेड नोबेल सर की तस्वीर छपी हुई होती है। सबसे बड़ी चीज वो है यार, पैसा तो ऑब्वियसली ये इतने बड़े बिग शॉट्स हैं अपनी स्ट्रीम के कि पैसा इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता है। ओके, क्योंकि जब कोई रिसर्च में इतना काम कर लेता है और इतनी सारी इनोवेशन क्रिएट कर देता है, इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर देता है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर होते हैं, इनकी सैलरी ही बहुत ज्यादा होती है, तो पैसा इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। इसीलिए इतना बड़ा जो प्राइस है वो दिया जाता है सारे के सारे साइंटिस्ट को जस्ट एज अ मार्क ऑफ एप्रिसिएशन, और वो भी सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने ये सोचा था कि उस टाइम पर साइंटिस्ट की जो स्थिति थी उसको देखते हुए कि हम पैसा देंगे। अदरवाइज आज के दिन में रिसर्च फील्ड इज वेरी इमर्जिंग फील्ड और साइंटिस्ट की हालत सुधर भी रही है। ओके, इंडिया में इस चीज को इमर्ज होने में काफी टाइम लगेगा, बट स्टिल इट इज वेरी गुड टू सी कि इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो मिल चुका है एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो इन्होंने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर नेम वेरी वेरी केयरफुली। यू नीड टू जस्ट कीप दीज नेम्स इन माइंड, दे हैव डन समथिंग सो बिग दैट दे नीड टू बी मेमोराइज, दे डिजर्व्ड टू बी मेमोराइज बाय ईच एंड एवरी लाइफ साइंसेस स्टूडेंट, बाय ईच एंड एवरी बायोलॉजिकल साइंसेस स्टूडेंट। वी कांट अफोर्ड टू फॉरगेट देम एनी हाउ। It is our responsibility to memorize the names of Nobel laureates of at least our fields. We only know about a few scientists in biology who have got the Nobel Prize. We know about Carey Mullis, we know about Watson and Crick, but we didn't know about the scientists who have got the Nobel Prizes recently. As a science student, you should always be curious and you should always be determined and you should always pay your respect to the Nobel laureates and to the senior scientists. So, it becomes a responsibility to know their name. I'm going to portray their name again on screen. Harvey J. Alter, Michael Hopton and Charles M. Rice. So, इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि अब ये सदियों तक लोगों द्वारा याद किए जाएंगे. So, congratulations to all three of them and congratulations to you as well if you are preparing for, you know, some competitive examination. I'm already congratulating you. Just do something so that you will also be memorized by the people for a very long time. Thank you so much guys. Lots of love. We'll surely catch you in the next video. Thank you.